बांग्लादेश में दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप में कोरोना के दो पॉजिटिव केस से चारों तरफ हड़कंप मच गया। निश्चित तौर पर 10 लाख की आबादी वाले रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में कोरोना का आना किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि यहां कोरोना के फैलने के बाद इसे रोकना मुश्किल होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो संक्रमित हुए हैं उन्हें आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। इन संक्रमित लोगों के संपर्क में म्यांमार से भागने के बाद कॉक्स बाजार के कैंप में तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। कॉक्स बाजार की परिस्थितियां कोरोना वायरस के फैलने के लिहाज से बेहद मददगार हैं। बेहद तंग, भीड़ भाड़, साफ सफाई और साफ पानी की सीमित मात्रा से जूझता इलाका है ये, जहां कोरोना वायरस से बचने के उपायों का पालन कर पाना बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों की माने तो सबसे बड़े शरणार्थी कैंप कॉक्स बाजार में कोरोना के प्रवेश से यहाँ हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। इन आंकड़ों से ये समझ लीजिए कि ये मातम कितना बड़ा हो सकता है। बांग्लादेश में 298 लोगों की मौत हो चुकी है और यहाँ 20,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं। अगर इन आंकड़ों को दूसरे लफ्जों में कहें तो ये महामारी बांग्लादेश को दशकों पीछे ले जा सकती है।